chapter 8 b. Name of this part is, check here, EMF. We call it electromotive force, EMF. It is denoted by the letter epsilon. E नहीं है, epsilon है. इसको ऐसे बना दीजिए या ऐसे बना दीजिए. ये क्या होता है फिर हम डिस्कस करेंगे. चैप्टर का नाम ये देखिए. फिर है टर्मिनल वोल्टेज, इसको डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल वी से. और फिर आता है वोल्टेज ड्रॉ, एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी. क्लियर? चैप्टर 8 बी ईएमएफ. लेट्स अंडरस्टैंड दीज थ्री. नाउ इन तीनों को समझते हैं. चैप्टर का नाम ही यही है, EMF, terminal voltage and voltage drop. Tell me first, what is potential difference? याद करिए potential difference क्या होता है. Potential difference, it is the amount of work done. लर्न होना चाहिए तो ये पार्ट का है. Potential difference की definition है, it is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other point. अब ध्यान से सुनेगा, EMF और terminal voltage क्या होता है. Let's consider a circuit. Simple circuit बनाते हैं. देखिए ये हमारी बैटरी हो गई है. तीन सेल लगा दी मैंने इसमें. ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, नेगेटिव है. इधर से एक की लगा दी, की को ओपन कर दिया, करंट चलेगी. बाहर जो रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल आर बोलते हैं. रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन. जो करंट को रोकता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे लगाना है तो एमीटर लगा दिया. चलिए एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर. उसके बाद इसको यहाँ लगा दिया, हमने वोल्टमीटर भी लगा सकते हैं. सुनिए, जो बाहर सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, जो भी रुकावट होती है, मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, उन सबको हम क्या कहते हैं, कैपिटल आर. बट सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है. इलेक्ट्रोलिसिस में देखा था ना आपने, सर्किट में जब करंट मूव करता है बेटा तो कौन कौन से पार्टिकल्स मूव करते हैं बताइए. इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव करते हैं, वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना. बट सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस याद करिए, क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आयंस. आयंस मूव करते हैं, और वो जो आयंस है वो भी एकदम से मूव तो नहीं करते, उनको भी ऑब्स्ट्रक्शन होता होगा, रुकावट होती होगी. तो सेल के अंदर जो रुकावट होती है उसे बोलते हैं हम क्या, स्मॉल आर. एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज कॉल्ड, स्मॉल आर इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस. और जो बाहर रुकावटें हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टर्स. बट आर हैज अ स्पेसिफिक नेम एंड इट इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस. पक्का? अब ध्यान से सुने क्या होता है, जब करंट चलती है सर्किट में तो चार्ज मूव होता है. क्या मूव होता है, और उस चार्ज को मूव कराने में, इलेक्ट्रॉन्स को या आयंस को मूव कराने में जो भी वर्क होता है उस वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ करती, अभी बुक में देखिए, अभी समझ नहीं आएगा. पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क. कौन करेगा ये वर्क, बैटरी करेगी, क्योंकि बैटरी का एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे रहेगा और दूसरा किधर है बेटा, लोअर पोटेंशियल. सो करंट मूव करेगी हायर टू लोअर, और ये तभी मूव करेगी अगर एक हायर पे और दूसरा लोअर पर. सो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन. क्या होता है, वर्क डन, जो भी हम काम करेंगे. अब ध्यान से सुनिए, अब जब ये काम होगा तो ये काम सर्किट के बाहर होगा, मतलब चार्ज जो मूव करेगा वो कहां मूव करेगा, सर्किट के बाहर. ये करंट शुरू हो गई, ये गई करंट यहां से, मान लीजिए आई करंट जा रही है, इधर आएगी आई करंट, करंट यहां से रेजिस्टेंस में जाएगी, चली गई. अब इस करंट को घुमाने में जो काम होगा उस वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल. क्या बोलते हैं उसको, potential. तो अगर मैं पोटेंशियल बोल रहा हूं तो आप मैकेनिक्स वाला वर्क याद रखिए. क्या याद रखिए, पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. It is the amount of work done. जो काम किया जा रहा है. In moving a unit positive charge from one point to the other point. बिल्कुल सही. So जो blue वाले part में काम हो रहा है, बाहर, कौन से बाहर, cell के बाहर, charge को, electrons को move करने में जो मेहनत लग रही है, काम हो रहा है, उस काम को हम बोलते हैं terminal voltage. We call it what?
टर्मिनल वोल्टेज. करंट कितनी जा रही है बाहर, आई. रेजिस्टेंस कितना है बाहर, आर. तो ये हो जाता है आई आर. आज का पहला फॉर्मूला पक्का, ठीक है. ये तो आपको बताइए ऑलरेडी, बट वी कॉल इट टर्मिनल वोल्टेज. व्हाट डू वी कॉल इट? टर्मिनल मतलब जो बाहर हो रहा है काम. किससे बाहर हो रहा है? सेल के बाहर. बट सेल के अंदर भी तो काम होगा सर. तो जो पहले वाला फॉर्मूला था उसमें क्या होता? पहले वाला कौन सा? वही तो है. मैंने नहीं बोला, ये वही है V equal to IR. और सेल के अंदर ये नया है, ये तो भी पुराना वाला ही है V equal to IR, जो ओम्स लॉ ने भी बताया था. अब सेल के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे भी तो करंट मूव कर रही होगी, और क्या करंट मूव करेगी इसमें भी, आई. बाहर अगर आई है तो अंदर भी आई जाएगी. यहाँ पर जो V आएगा, V का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर, बट दिस V वुड बी आई स्मॉल आर. ये नया है. ऊपर वाला V equal to IR तो पुराना वाला ही है, नया नहीं है. और इसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप. क्या बोलते हैं? वोल्टेज. व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज इज द वर्क डन. बाहर कितना काम हुआ? आई आर. अंदर कितना काम हुआ? आई आर. बाहर वाला आई इंटू कैपिटल आर, अंदर वाला आई इंटू स्मॉल आर. पक्का इतना क्लियर है आयुष्मान? और बाहर का काम होता है टर्मिनल वोल्टेज, जो हमने किया था ओम्स लॉ में भी. अंदर का काम होता है वोल्टेज ड्रॉप. और जो दोनों कामों को मिलाया जाता है तो बनता है EMF, V plus V, या फिर आप बोल सकते हैं IR plus IR, या फिर आप बोल सकते हैं IR plus R. ये EMF का फॉर्मूला है. These three formulas are clear? फिर से सुनिए, फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा. ये वाला वोल्टेज वर्क बाय Q, W by Q. ये वाला W भी, V भी W by Q होता है. और ये वाला E भी W by क्या होता है? बट सबका वर्क अलग अलग होता है. अगर बात की जाती है, ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करता हूं टर्मिनल वोल्टेज की, किसकी, कौन सी वोल्टेज की? टर्मिनल वोल्टेज का मतलब हुआ टर्मिनल्स के बाहर वाली वोल्टेज, मतलब टर्मिनल्स के बाहर वाला वर्क. समझ रहे हैं? तो जो ब्लू वाला पार्ट है, इसमें जो वर्क हो रहा है बेटा, कौन से वाले पार्ट में? ब्लू वाले पार्ट में, उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज. समझ आया? अंदर येलो वाले पार्ट में, उसे बोलते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप. का मतलब होता है वेस्ट होना ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो करंट हो वो कहाँ है? सेल के बाहर. बट सेल में करंट तभी चलेगी जब पूरा पाथ कंप्लीट होगा, उसका सर्किट कंप्लीट होगा. मतलब बाहर भी दौड़ेगी करंट और सेल के अंदर भी. तो जब करंट सेल के अंदर जाएगी तो इस अंदर वाले पोर्शन में जो वर्क हमारा होगा वो वेस्ट होगा. हमारे लिए तो वेस्ट है ना, हमें नहीं चाहिए, इसीलिए उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप. पक्का इतना क्लियर? और अगर हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? ईएमएफ. क्या बन जाता है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अच्छा एक बात और सुनिए ध्यान से. मान लीजिए हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है. किसकी बॉटल है? एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है. मान लीजिए हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, और इस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की कैपेसिटी है, मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है 2.25 liters. कितने लीटर्स है? तो इसमें कितनी कोल्ड ड्रिंक होगी? 2.25 liters होगी ना. मान लीजिए आपने बाहर निकाली हुई कोल्ड ड्रिंक, टर्मिनल वोल्टेज बाहर जब निकाली कोल्ड ड्रिंक तो सिर्फ कितनी आई? 2.24 liters. क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक है वो अंदर स्टिक हो जाएगी ना, थोड़ी तो चिपकेगी, पानी की टेंडेंसी होती है स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. थोड़ी कोल्ड ड्रिंक अंदर रह ही जाएगी, कुछ भी आप कर लीजिए, थोड़ी तो वेस्ट होगी होगी. वो जो वेस्ट हो गई अंदर ही, उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप. वो है 0.01 liter. और अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? EMF. समझ गया? सो व्हाट इज EMF? EMF इज द वर्क डन. EMF is the potential difference. What is terminal voltage? That is also potential difference. What is voltage drop? That is also potential difference. समझिए, ये सब के सब क्या होते हैं? Potential difference होते हैं. होते कि नहीं? But पहला वाला terminal voltage is the potential difference of outside, not inside the cell. Voltage drop is the potential difference of inside the cell. And EMF is
total. Now what is EMF? It is the potential difference. We say when no current is drawn from the cold drink bottle. जब हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से जरा सी भी कोल्ड ड्रिंक निकाली नहीं है, जरा सी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं निकाली, तो उसको हम बोलेंगे ईएमएफ। मान लीजिए आप 2.25 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाए, मैंने बोला बेटा कितना ईएमएफ इसका, क्या बोलेंगे आप? 2.25। फिर मैंने एक लीटर पी ली, अब कितना ईएमएफ इसका? 2.25। देयर विल स्टार्ट रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, the diagram below shows a cell of EMF 4 volt, internal resistance 2 ohm, external resistance 8 ohm and the ammeter. Now let's understand the circuit beta first. We have a cell. This is the positive terminal, this one is the negative one, and then here we have a resistance, external resistor R, then we have a key K, then ammeter. All of you should know that ammeter is always connected in what? Series में लगाते हैं इसे. And voltmeter is always connected in what? Parallel. What do we say? Parallel में लगता है बेटा ये. Voltmeter का resistance बहुत high होता है, इसलिए कि इसमें से current जा ही नहीं पाता. ये current को measure नहीं करता. इसके अंदर से वोल्टेज देखते हैं, क्या देखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। सर सीरीज में मतलब की रेजिस्टेंस वगैरह? हाँ, अभी सीरीज और पैरेलल भी हम सीखेंगे क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया भी नहीं। चलिए बताइए, तक क्लियर है? सीरीज मतलब सर्किट की वायर में नहीं, वो अलग से वायर से कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ वेरी वीक करंट, डिटेक्शन ऑफ वेरी वीक करंट, जो 1 एम्पीयर से भी कम हो करंट, उसके लिए यूज होता है गैल्वेनोमीटर। अब क्वेश्चन सुनिए, पहली वाली क्वेश्चन में बोला है दैट फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर व्हेन द की इज क्लोज्ड ओपन। सॉरी सुनिए, अगर की ओपन होगी बेटा मिताली, देखो यहां ब्लू वाली वायर में तो करंट जा ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि सर्किट तो इनकम्प्लीट है, टूटा हुआ है, तो एमीटर में से कुछ जाएगा ही नहीं। सो फर्स्ट केस से बोला है की इज ओपन, ये तो आपको पता है ना, ओपन सर्किट का मतलब ऑफ होता है। ऑफ हम लोग गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, हम बोलते हैं ओपन द फैन। ओपन फैन का मतलब समझ जाते हैं कि सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट का मतलब होता है टूटा हुआ सर्किट, टूटा हुआ सर्किट, की निकाली हुई है, टूटा हुआ है, ओपन, जिसमें करंट ट्रैवल नहीं करती। करंट ट्रैवल नहीं करेगी तो एमीटर की रीडिंग आएगी बेटा, वेरी गुड, एमीटर्स रीडिंग होगी कितना? जीरो, बिल्कुल सही है, एमीटर्स रीडिंग वुड बी जीरो। Is that clear to you? Understood? Second, voltmeter will have the reading. Voltmeter's reading would be EMF. You say, sir, कैसे ये voltmeter में कैसे reading आएगी? देखिए जरा, ये वाला circuit तो complete है, ये वाला circuit देखिए complete है। Generally सेल के रेजिस्टेंस को सेल के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सेल के, बट इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने बाहर लिखा हुआ है, और क्योंकि स्मॉल आर लिखा है मिताली, तो हम समझ गए वो कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल। अगर कैपिटल आर होता तो क्या होता? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इज दिस क्लियर? यस। Almost 10 बच्चे missing हैं आज, we'll just take the attendance. और EMF कितना है बेटा? 4 volt. Second part सुनेगा आप, क्या है? Key is close. जब key close हो जाएगी, तो blue वाले में से भी देखिए current जाने लग जाएगा, आधा current बाहर और आधा current अब अंदर जाएगा, देखिए अब क्या होगा? Circuit complete हो गया बेटा, सुनेगा ध्यान से अब क्या होने वाला है? Ammeters reading निकालते हैं। Ammeters reading. EMF का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? EMF I R plus R. अंदर का R भी बाहर का R. EMF is 4. अंदर का R 8. बाहर का 8. अंदर का 2. 10 हो गया. I into 10. कितना रहा है I? 0.4 एम्पीयर.
बट इफ यू हैव टू फाइंड वोल्ट मीटर्स रीडिंग, बताइए वोल्ट मीटर्स रीडिंग क्या होगा? वोल्ट मीटर्स रीडिंग नहीं, इस बार ई के इक्वल नहीं होगा. वॉट इज ई एम एफ? इट इज द वर्क डन ई एम एफ विद द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. जब हमने करंट निकाला ही नहीं था बैटरी में से शुरू में, तो हमने बोला भाई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में कितनी कोल्ड ड्रिंक है, तो आपने ऊपर से पढ़ के बोल दिया 2.25, क्योंकि कुछ निकला नहीं, ढक्कन बंद है अभी. तो पहले वाले में ये तो हुआ बेटा, अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लाए और सील्ड पैक है, मैंने आपको बोला बेटा मेजर करो जरा इसके अंदर कितनी है, तो आप बोलेंगे सर इसमें उतनी है जितनी लिखी है. वोल्ट मीटर की रीडिंग थी ईएमएफ. बट दूसरे केस में जैसे हमने की ओपन कर दिया, ढक्कन ओपन कर दिया, बाहर कोल्ड ड्रिंक पीने लगा, बाहर का रेजिस्टेंस करंट पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं पी ली, किसी ने पी ली. अब मैं आपसे पूछूं बेटा कितनी है, तो आप निकालोगे टर्मिनल वोल्टेज. क्या निकालेंगे? कितनी बाहर आ सकती है, तो वो होगा वी. वी का फॉर्मूला क्या होता है? आई कैपिटल आर. नहीं समझे आप? अगर ये समझे नहीं ना तो मना कर देना बेटा, क्लोज करें बस यहाँ पर, फिर आप घर से रीडिंग करके आएंगे. 0.4 आर कितना है? 8. 3.2 वोल्ट. ध्यान से सुनिए, दूसरी बारी जैसे हमने सर्किट कंप्लीट करा है, तो कुछ करंट ब्लू वाले सर्किट में जाएगा तो वहां वर्क डन हो रहा होगा, है ना, और कुछ जा रहा होगा सेल के अंदर, तो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? ईएमएफ नहीं, वोल्ट मीटर रीड करेगा जो बाहर आएगा वी. बाहर वाला वर्क डन तो देखेगा, वो अंदर वाला नहीं कंसिडर करेगा ना. तो आप बोलेंगे सर पहली बारी में क्यों करा आपने? क्योंकि पहली बारी में की क्या थी? ऑफ. व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट then volt meter reading would be EMF. और जैसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल के पीने लगे लोग, तो अब कितना बचा है वोल्टेज? अब कितना टर्मिनल वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज मतलब जो बाहर निकल सकता है वो होगा जो बचा हुआ है उसके अंदर. सही बात है कि नहीं? सही बात है परी, सही बात है. चलिए क्या है? नहीं मैंने उल्टा नहीं बोला, मैंने बोला अगर कोक का बॉटल का ढक्कन ओपन हो गया है, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक किसी ने पी ली है, तो अब कितनी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ सकती है वो डिपेंड करेगा कितनी वी है, कैपिटल वी. ईएमएफ तो वही रहेगा 2.25 लीटर्स. सर वो बाहर वाले पे डिपेंड करेगा कितना बाहर, अंदर वाले को थोड़ी करेगा. नहीं, बॉटल के अंदर जितना बचा हुआ है जो बाहर आ सकता है, जो बाहर आ सकता है, एक ग्लास, एक लीटर, दो लीटर, तीन लीटर तो नहीं, दो लीटर, जितना बाहर आ सकता है वो होगी टर्मिनल वोल्टेज. वो कैसे आएगा बाहर? कितना आएगा? आई आर, बाहर वाला. अंदर कितना चिपक जाएगा उसमें, वेस्ट हो जाएगा? आई स्मॉल आर, और दोनों का जोड़कर ईएमएफ. तो शुरू में जब बॉटल का ढक्कन ही नहीं ओपन किया था तो ईएमएफ, हमें बोला भाई ईएमएफ क्यों हो. ठीक है, अंडरस्टूड? आई एम गिविंग यू सम न्यूमेरिकल्स फॉर होमवर्क, प्लीज टेक देम. These are all directly based on the formulas that I have given you. 2, 3, 5. Just try them. 4th is bahut easy hai. 4th is based on Ohm's law. 4th ke hint le lijiye. 4th mein dekhiyega kya hai. If I give you the hint, to answer aa jayega. Question 4 dekhiye zara. Question number 4 isliye kara rahe hain kyunki isme I diya hai 400 मिली एम्पेयर, और हमें पता है मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज 12 वोल्ट. बताइए तो क्लियर है? आई आ गया, वी 12 वोल्ट है. हमसे यार पूछे वी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आयुष्मान? वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर. सो व्हाट विल बी आर? वी अपॉन आई. वी इज 12 अपॉन आई इज 400 into 10 to the power minus 3. Take 10 to the power minus 3 up. It will be 1000. 400. 4 threes up. Resistance kitna bataiye isme? 30 ohm. Is that clear to you? Understood or not? Clear hai? आगे देखिए सेकंड पार्ट 2016 का क्वेश्चन है बेटा, रेजिस्टेंस आ गया 30 ओम,
Similarly, the music system is left playing for several hours, and finally the battery voltage drops and the music system stops playing when the current is. देखिए म्यूजिक सिस्टम जो था वो बंद हो गया और तब बंद हुआ जब करंट हो गई थी 320 मिली एम्पेयर, मतलब 320 into 10 raised to the power minus 3 ampere. अब सुनेगा, resistance of every machine remains constant. यह मान के चलते हैं कि हर मशीन का resistance क्या होता है, चाहे उसमें कितनी भी voltage डालिए, कितना भी current डालिए, उसका resistance constant रहता है. So V का formula होता है IR. Solve कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सी वोल्टेज पे पूरा सिस्टम बंद हो गया. 320 1000 नीचे से लगाएगा ये, माइनस 3 30000 9.6 वोल्ट. पता चल गया कब बंद हुआ होगा सिस्टम, जब वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो गई थी 9.6. शुरू में कितनी वोल्टेज थी इसकी, 12. ठीक है, आर कॉन्स्टेंट रहता है अभी तक कितना, 30 ओम. ओके, आर कॉन्स्टेंट रहता है मशीन का. चलिए जैसे मैथ्स ओपन करिए, दैट्स इट फॉर फिजिक्स, क्विक टेक आउट मैथ्स. देखिए सेक आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, सेकंड पार्ट में जो मशीन जो बैटरी हमें वोल्टेज दे रही थी वो स्पीकर छोड़ दिया, ऐसे म्यूजिक सिस्टम होते होते म्यूजिक सिस्टम या ब्लूटूथ स्पीकर मान लीजिए चले जा रहा है, कभी ना कभी तो उसकी बैटरी जीरो होगी. जब वो बोलेगा लो बैटरी है ना, तो वो पूछ रहे कि भाई कब ऑफ होगा, तो जब वो ऑफ हुआ तो करंट इतनी थी, हमें पता है रेजिस्टेंस उसका वही रहेगा. सो वोल्टेज पूछा कि भाई कितनी वोल्टेज बंद हो गया था, सो 9.6 वोल्टेज पे वो क्लोज.